स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मेजर क्रॉप्स के बारे में। आज हमारी नेक्स्ट जो मेजर क्रॉप है वो है पल्सेस। अब देखते हैं पल्सेस के किस तरीके से है इंडिया के अंदर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है पल्सेस के अंदर। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। पल्सेस को एक मेजर सोर्स माना जाता है प्रोटीन का वेजिटेरियन लोगों की वेजिटेरियन डाइट के अंदर। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर कौन कौन सी पल्सेस है। दालें कौन कौन सी ग्रो करती है इंडिया में। तुअर, जिसको हम अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी पल्सेस खरीफ सीजन में ग्रो करती है कौन सी रबी सीजन में। तो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस जो होती है उनको मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है और इवन ड्राई कंडीशंस में भी क्या करती है, ग्रो कर जाती है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प्स इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अगर हम बात करें लेगुमिनस क्रॉप्स की, तो जितनी भी क्रॉप्स होती है उसके एक्सेप्ट अरहर को छोड़ के सब क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी मतलब रीस्टोर कर लेती है अपने अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को बाय नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स के साथ ग्रो किया जा सकता है इसको। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर कौन कौन से पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स में क्या क्या चीज़ें आती है। पहले हमने देख लिया मेजर क्रॉप्स के बारे में, अब हम फूड क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारी शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल भी मानी जाती है, सब ट्रॉपिकल भी मानी जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड हुमिड क्लाइमेट। शुगर केन को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट और हुमिड मतलब गर्म होना चाहिए, और टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर। और एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। इरीगेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है लो रेनफॉल वाले रीजन के अंदर। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और इसको हम बहुत सारे सॉइल्स में लगा सकते हैं और मैनुअल लेबर की मदद से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो इंडिया का ही आता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडासरी एंड मोलासेस। इसको हम मेजर सोर्स भी मानते हैं शुगर का भी, गुड़ का मतलब जैगरी एंड खंडासरी और मोलासेस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कौन कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं शुगर केन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में स्टूडेंट्स। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। 2015 की बात करें तो इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता था ग्राउंडनट के अंदर आफ्टर चाइना। इन अ रैप स्पीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2015। Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. अलग अलग oil seeds approximately 12% total crop grow करती है पूरे area में country के अंदर। Main oil seeds produce किए जाती है इंडिया में वो है groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linen seeds and sunflower. तो most of these are edible and used as a cooking mediums. बहुत सारी ईटेबल होती है जिसको हम कुकिंग मीडियम में इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। बहुत सारे को रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है सोप प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और ऑर्नमेंट्स के लिए। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप मानी जाती है और हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड जो प्रोड्यूस होती है कंट्री के अंदर वो ग्राउंडनट होती है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015 एंड 16। गुजरात को हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है ग्राउंडनट के अंदर। लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप। सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया।
कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी की। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप है टी। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश टाइम से ही हमारे यहाँ पर इसको बीवरेज क्रॉप माना जाता है। टूडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाई इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये जहाँ पर लगाया जाता है टी प्लांटेशन उसके लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है, एक तो फर्टाइल सॉइल और एक रिच होनी चाहिए ह्यूमस कंटेंट के अंदर और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी को हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनफैक्ट मशीनरी का कम होता है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज प्रोड्यूस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और टी गार्डन में इसको लगाया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर सबसे ज़्यादा आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलगापुरी, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर लगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अ पार्ट ऑफ दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2015 का डाटा की बात करें तो इंडिया को सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है टी के अंदर आफ्टर चाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफ़ी के अंदर। इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर अ गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी को पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द अरेबिया वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टूडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो है नीलगिरी कर्नाटका के अंदर, केरला और तमिलनाडु, ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कॉफ़ी के अंदर। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।